get low when the whistle go. हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे हमारे HTML में कोई भी फॉन्ट को बोल्ड और इटैलिक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं हमारा नोटपैड। ये खोल लिया मैंने मेरा नोटपैड दोस्तों। तो सबसे पहला टैग हमारा होता है वही HTML, अगला टैग हमारा वही हेड को मैं यहीं पर बंद कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और अब हमारी चालू होती है बॉडी। ये हमारी चालू हो चुकी है बॉडी। अब बॉडी में मैं आपको फॉन्ट को बोल्ट और इटैलिक करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, सीखते हैं बोल्ट करना। तो बोल्ट करने के लिए सब टैग होता है हमारा बी। आपने ये टैग लिख लिया, अब आपको जो भी फॉन्ट को बोल्ट में लिखना है उसको। तो मान लीजिए मैंने मेरा नाम लिख दिया सार्थक शर्मा, मैंने बोल्ट में लिख दिया दोस्तों, ठीक है। ये बी को हमारा बंद कर दिया है। अब लाइन चेंज करने के लिए मैंने हमारे यहाँ पर BR टैग को भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारा BR टैग भी हो चुका है दोस्तों। ये लाइन चेंज करने के लिए आपको यूज़ होता है। अब इटैलिक करने के लिए I होता है हमारा टैग। ये इटैलिक करने के लिए I टैग हमने हमारा लगा चुके हैं हम। तो इसमें भी मैं वही कर देता हूँ तो आपको समझ अच्छे से आएगा। तो ये मैंने मेरा नाम लिख दिया सार्थक शर्मा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं BR करता ही नहीं हूँ क्योंकि आज हम ये दो ही टैग सीखने वाले हैं। तो ये आई को भी मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आई हमारा बंद हो चुका है। अब हमारी बॉडी को बंद कर देते हैं हम। ये बॉडी को भी बंद कर दिया है। ये मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आज ये इतनी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। और ये अब हमारा HTML भी यहाँ पर बंद हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं सेव कर रहा हूँ i.html। ये डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये हमारी सेव हो चुकी होगी, ये आ चुकी है हमारी फाइल। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मेरा जो नाम था ये बोल्ट हो चुका है और नीचे ये एटलीट हो चुका है। तो अब आपको दिखा देता हूँ बोल्ट हुआ है कि नहीं। तो हम एक पैराग्राफ लिख देते हैं ऊपर इसी के, तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। तो पैराग्राफ में भी मैं मेरा नाम ही लिख देता हूँ। तो पैराग्राफ के लिए हमारा टैग होता है बी। ये तो आपको पिछली वीडियो में मैं सिखा ही चुका हूँ। तो ये सार्थक शर्मा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी भी लाइन चेंज कर देंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर BR टैग लगा देंगे। BR टैग के बाद हमें यहाँ पर पी को बंद करना पड़ेगा पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ भी बंद हो चुका है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी फाइल को। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सिंपल टेक्स्ट है हमारा जो, और ये हमारा बोल्ट करा हुआ और ये यहीं पर इटैलिक करा हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।